आइए अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक में ये पढ़ाया था कि चार्ज लाइक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बहुत जरूरी है कि आपको चार्ज और मास का डिफरेंस पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो टीचर्स है इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। इसको आपको समझना है कि चार्ज क्या है। चार्ज अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, डिस्कस किया, चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। मतलब बॉडी की स्पीड कितनी भी हो उसके ऊपर चार्ज नहीं डिपेंड करती। मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद इट्स स्पीड। याद रखना ये पॉइंट कि भाई जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो उसका मास भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व, इट कैन बी, मास इज नॉट कंजर्व। अब मतलब क्या हुआ कि मास जब कंजर्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्म एनर्जी में भी बदल जाता है, पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और उसके बाद चार्ज, दो चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया, और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। पर जब हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किस में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। और जब हम मास बॉडीज ऑलवेज हैविंग ग्रेविटेशन, जब दो ग्रेविटेशन दो मास बॉडी की बात करें तो उनमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होती है बेटे, अट्रैक्टिव होती है। क्लियर। अब आइए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो अपने में से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज वो जो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करता है। तो इसको पॉजिटिव क्यों और इसको नेगेटिव क्यों। हम जब न्यूमेरिकली यूज करते हैं तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, हम उसका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू याद रखनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज की, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। इज इट। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैंने दो तरह के चार्ज पढ़ाए आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो दिस इज अनलाइक चार्ज, दिस इज अनलाइक चार्ज। तो इन दोनों में हमेशा क्या बनेगा बेटे, अट्रैक्टिव फोर्स। और दोनों सेम चार्ज हों, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनलाइक चार्जेस क्या भरोंगे, रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व मतलब ये कंजर्व करते हैं। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो हम इसे बना सकते हैं ना ही हम इसे खत्म कर सकते हैं, बस इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो तीन मेथड हैं, इंडक्शन, कंडक्शन एंड थर्ड वन इज ए फ्रिक्शन। गॉट इट। कौन कौन सी बात बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, इट कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब कि एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर होता है।
क्यू नेट क्यू वन क्यू टू इस सरफेस पे पड़ा है ना, क्यू थ्री जितना चार्ज होगा क्यू एन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्यू वन वन माइक्रोकुलम, टू माइक्रोकुलम, थ्री माइक्रोकुलम। ओके, माइक्रो का मतलब होता है बेटे 10^-6 कूलम। सॉरी मैं बताना भूल गया, माइक्रो का मतलब 10^-6, मिली का मतलब 10^-3। अगर चलो कूलम कूलम ले लें तो नेट चार्ज क्या हुआ, 1, 2+3, 6, सबका माइक्रो कूलम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? फोर्थ पॉइंट, चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड। चार्ज को हम कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते माय डियर। कभी भी आपको कह दे, कोई आकर भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि क्या हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि चार्ज हमेशा सरफेस के कंडक्टर पे लाई करता है। ये लाइन को ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा के सुना करो। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिर उसके बाद चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड। चार्ज को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, इट लाई जस्ट ओवर द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। फिर पूछेगा अगर मुझे स्टोर करना है तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड द लास्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। मतलब क्या हुआ कि चार्ज एक छोटे छोटे पैकेट और बंडल के फॉर्म में, डिस्क्रीट पार्टिकल के फॉर्म में होता है, दैट इज क्वांटाइज। द क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। जो एन होता है +-1, +-2, +-3। कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज छोटे छोटे पॉइंट्स से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, जिसके अंदर बंडल ऑफ एनर्जी होती है। द क्वांटम ऑफ चार्ज इक्वल टू दैट एन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू दैट एन इलेक्ट्रॉन। क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में ई। अब देखिए फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। देखिए मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। चार्ज हमेशा याद रखना, जो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू नीचे कर टू अदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। देखिए अगर मैंने कहा कि यहां से -1 निकला तो यहां +1 हुआ, -2 गया तो +2, इसी तरह से -n + n। तो फॉर्मूला n इंटू ई, n की वैल्यू +-1 + -2 एंड सो ऑन। समझ में आया ये फॉर्मूला? एक छोटा सा हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। मतलब आपको n निकालना है, सॉल्यूशन समझिए। तो q इज इक्वल टू क्या हुआ, n इंटू ई। q दिया हुआ है 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अभी बोली मैंने 1.6 × 10^-6 कूलम। तो आपको याद रखना है कि कभी भी न्यूमेरिकली हम नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करते। तो n 1 upon 1.6 × 10^-6 कूलम, और एक 1 कूलम, कूलम से कूलम गया, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो 6.2 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो डेसिमल में हम लेते नहीं, राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 6 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है और आपको इसको करना है। न्यूमेरिकल आप एज इट इज इसको कॉपी पे करें। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सभी 10th के स्टूडेंट्स को भेजिए, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।